ईद मिलादुन्नबी पर्व पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का 1445वां जन्मदिन मुस्लिम समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर हजारों की तादाद में समाज के लोग जुलूस में शामिल हुए। जुलूस नई दिल्ली स्थित मदीना मस्जिद से शुरू हुआ, जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ स्थानीय चंबल मार्ग पर समाप्त हुआ। इस दौरान शहर के मार्गों पर स्वागत द्वार लगाकर जुलूस का स्वागत भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि पैगंबर साहब 63 साल की जिंदगी में 23 साल तक धर्म गुरु के पद पर रहे। पैगंबर साहब ने सबसे ज्यादा महिलाओं के हित में आवाज उठाई। उनके दौर में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उनकी कोशिशों का परिणाम ही था कि महिलाओं को पिता व शोहर की जायदाद में 1/4 का हिस्सा करने की व्यवस्था शुरू की गई। उन्होंने कुरान के माध्यम से समाज को जागरूक करने की शुरुआत की थी।
आराम से ले भाइयों, आराम से, आराम से भैया, लगता रुक ना करे। और ये डीजे से दूर रहे, स्पीकर से, बच्चों स्पीकर से दूर रहे, आराम से, तबारुक आप लोगों के लिए, आराम से, वो शेरों बच्चों के लिए उधर जाए आगे, आराम से, फेंका फेंकी ना करे, फेंका फेंकी ना करे, तबारुक फेंका फेंकी ना करे, जुबेर खत्म नहीं हुआ। Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
बेटा दे चाचा को तो आइए।